मैं गाजीपुर से मोहम्मदाबाद होते हुए बलिया बिहार जाने वाली सड़क हूं। हे सरकार के जिम्मेदार अफसरों, जरा मेरा हाल तो देखो। मेरे तन पर पड़े क्या इतने बड़े बड़े गड्ढे तुम्हें नहीं दिखते? क्या तुमको नहीं दिखता कि मेरा शरीर इस कदर जख्मी है कि मैं करा रही हूं? आओ शहर के शेखपुरा के पास, यहां से मुझे देखो। क्या तुम्हें मेरी पीड़ा नहीं दिख रही? गड्ढे के रूप में मेरे जख्मों की गहराई 2 से लेकर 3 फीट तक है। इसमें मवाद जैसे बारिश का पानी भर गया है। ये घाव अब बजबजा रहे हैं। बाइक के साथ ही 4 पहिया वाहन सवारों की जैसे ही पानी पर नजर पड़ रही है, वो अचानक वाहन का ब्रेक लगा खड़े हो जा रहे हैं और इस सोच में पड़ जा रहे हैं कि कैसे निकलें। लोग हिम्मत जुटाते हुए गड्ढों के बीच से हिचकोले खाते हुए निकल रहे हैं। यहां के लोग गिरकर घायल हो जा रहे हैं। वहीं खासकर बाइक सवारों के कपड़े गंदे पानी की वजह से खराब हो जा रहे हैं। गड्ढों के बीच से सवारियों से भरा कोई ऑटो निकल रहा है तो उसके पलटने का भय बन रहा है। मेरी इस खराब हालत से मेरी सेवा लेने वाले लोग मुझे कोस रहे हैं, जिससे मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि मेरी वजह से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन अफसरों से ये बताओ कि इसमें मेरा क्या दोष? अरे इसमें दोष तो संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ ही अन्य आला अधिकारियों का है। इसी रास्ते मंत्री संतरी सबकी गाड़ी गुजर रही है, लेकिन मेरी दयनीय दशा किसी को नहीं दिख रही। अगर समय रहते संबंधित विभाग सड़क के गड्ढे को भरने का काम नहीं करता है तो यहां कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हे अफसरों, मुझ पर रहम खाओ, मेरा इलाज कराओ, मरम्मत कराकर गड्ढे रूपी इन घावों को भरो, वरना किसी दिन तुम्हारी गाड़ी भी पलट जाएगी। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से जनपद गाजीपुर के प्रशासनिक अधिकारियों का और उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान इस जगह पर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मैं राजेश कुशवाहा, समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रत्याशी भी रहा हूं विधानसभा सदर का। ये कम से कम 3-4 महीनों से ये स्थिति बनी हुई है और हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं, SDM महोदय हैं, लगातार इसी सड़कों से गुजरने का काम करते हैं, लेकिन उनको ये गड्ढा दिखलाई नहीं देता है। रोज़ यहाँ पर कोई ना कोई गिर करके किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है और जिलाधिकारी और SDM महोदय को, यहाँ के प्रशासनिक लोगों को और आला अधिकारियों को ये सब चीज़ें दिखलाई नहीं दे रही है। इस पर मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये प्रशासनिक अधिकारी इस बात का संज्ञान लें और इसको, इस गड्ढे को मुक्त कराने का काम करें। ऐसी ही और भी हमारी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।